हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है, जिन्हें हम लोग आज दिस एंड डैट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दिस और डैट सीखेंगे। कैसे हम लोग कहाँ पे दिस बोलते हैं, कहाँ पे डैट बोलते हैं, और कहाँ पे दीज बोलते हैं, और कहाँ पे दोज बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग ये क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिए ये फिंगर है, मैन की फिंगर है। देखिए ये लैपटॉप से कितनी दूर है ना, लैपटॉप इससे दूर है, तो ये क्या होगा? डैट, क्योंकि दूर है ना। देखिए फिंगर से कितनी दूर है लैपटॉप? दूर है, तो दूर जो चीज होती है और एक चीज होती है तो क्या बोलते हैं? डैट। वहां पे क्या बोलते हैं? डैट। ऐसे ही यहाँ पे देखिए बैग है, बैग हमारा फिंगर से कितनी दूर है? देखिए कितनी दूर है। अगर यही बैग यहाँ पे फिंगर होती, यहाँ पे बैग बना होता तो दिस हो जाता, और ये बहुत दूर है तो क्या बोलेंगे? डैट। डैट क्या बोलेंगे? डैट। That is a bag. क्या बोलेंगे? That is a bag. क्योंकि वो दूर है, दूर है और एक है, तो क्या बोलेंगे? That. ऐसे ही फिर से देखते हैं। देखिए ये इरेजर है, इरेजर भी फिंगर से दूर है ना बच्चों? देखिए कितनी दूर है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? That is a eraser. क्योंकि फिंगर से दूर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए ये कैट है, कैट बनी हुई है गाइस, फ्रेंड्स देखिए ये है ना, फिंगर की कितनी पास में है, बिल्कुल टच कर रही है फिंगर हमारी कैट को, टच कर रही है, तो ये बगल में है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिस इज अ कैट। और देखिए इधर कैट कितनी दूर है फिंगर से, तो क्या हो गया? That is a cat. क्या होगा? That is a cat. ऐसे ही देखिए ये रेडियो है, फिंगर से दूर है, तो क्या बोलेंगे? That is a radio. और ये ग्लोब है, ग्लोब फिंगर के बगल में है ना, तो क्या बोलेंगे? This is a globe. नेक्स्ट देखिए वायलन, वायलन हमारी फिंगर से कितनी दूर है? दूर है ना, तो क्या बोलेंगे? That is a violin. फिर बॉक्स, बॉक्स हमारी फिंगर के बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल टच कर रहा है जैसे ना, तो क्या बोलेंगे? This is a box. फिर देखते हैं स्कूल बैग, स्कूल बैग भी हमारी फिंगर की कितनी बगल में है, देखिए टच कर रहा है। आप भी अपने बैग को टच करो, देखो क्या बोलेंगे? This is a school bag. ठीक है, जो चीज आपके बगल में है आप उसको टच कर सकते हैं, वहां पे बोलेंगे दिस। और अगर आपसे दूर है और नंबर एक ही चीज है, एक पेन है, एक बुक, आप थोड़ा सा दूर रखिए, तो क्या हो जाएगा? दैट इज अ बुक। और हमारे बगल में होगी तो दिस इज अ बुक। ऐसे ही देखते हैं, देखिए दिस बुक बगल में रखी हुई है, तो क्या बोल रहे हैं? This is a book. देखिए this is a book. और यही book देखिए इधर हमने दूर रख दी, तो क्या बोलेंगे? That is a book. है ना? अब आइए, अब हम लोग these और those सीखते हैं। This और that clear हो गया, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों? These and those. These क्या होता है? जो बहुत सारी चीजें होती हैं और हमारे बगल में होती है, जैसे 3 book, 2 book, 5 book, 9 book, या बैग, पेंसिल्स आपके पास होती ना, जब ज्यादा बुक्स होती हैं, ज्यादा पेंसिल्स होती हैं और हमारे पास में होती हैं, तो हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं? दीज के साथ क्या लगाते हैं? आर, क्योंकि ज्यादा है ना, दीज आर बुक्स, these, दीज। ऐसे बोलिए बच्चों, these, माने
बहुत सारी बुक्स है ना, दीज आर बुक्स, क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स। और ऐसे ही ज्यादा बुक है और हमारे से बहुत दूर है तो क्या बोलेंगे, दोज आर बुक्स, क्या बोलेंगे, दोज आर बुक्स, टी एच ओ एस ई, दोज, फिर से बोलिए, टी एच ओ एस ई, दोज, ठीक है। ऐसे दीज की स्पेलिंग बोलिए, टी एच ई एस ई, दीज, ठीक है। दीज आर बुक्स हमारे बगल में है, दीज आर बुक्स हमसे दूर है, दोज आर बुक्स, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा दिस और दैट, दीज एंड दोज। अब फिर से देखते हैं दीज, देखिए दिस, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस मतलब यह एक एप्पल है, यह एक एप्पल है जो हमारे नियर है, पास में है, ठीक है। ऐसे ही दैट, दैट जो हमसे दूर होती है, फार होती है चीज, तो क्या बोलते हैं, दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है, दूर है तो वह, दिस मतलब पास में है तो यह, क्या बोलेंगे, दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है या एक सेब है। दैट इज एन एप्पल अगर दूर है तो दैट इज एन एप्पल, दैट मतलब वह, क्योंकि वो हमसे दूर है ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह एक सेब है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दीज एंड दोस, दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, तो देखिए दीज आर एप्पल्स, एप्पल हमसे दूर है, बगल में है ना, और बहुत सारे एप्पल्स हैं, देखिए बहुत सारे एप्पल्स हैं और हमारे बगल में है, पास में रखा हुआ है, नियर है ना, नियर मीन्स पास में, तो क्या बोलेंगे, दीज आर एप्पल्स मतलब ये सेब है, क्या बोलेंगे, ये सेब है, दीज आर एप्पल्स। दोज कैसे बोलेंगे, दोज आर एप्पल्स मतलब फार है, बहुत दूर है, क्या बोलेंगे, दोज आर एप्पल्स, ज्यादा है ना तो यहाँ पे डैट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, दोज, एक एप्पल होता तो हम लोग डैट बोलते, ठीक है, दोज आर एप्पल्स, क्लियर। चलिए अब आप लोग हमें बताइए ये क्या है, वेरी गुड, दिस इज बुक, दिस इज अ बुक है ना, दिस इज अ बुक, बगल में है ना, फिंगर के दिख रहे ना, वेरी गुड, यह एक किताब है। नेक्स्ट, बगल में है लेकिन ज्यादा बुक्स है, यहाँ पे हमने पढ़ा एक बुक थी तो दिस इज अ बुक, एक बुक है, और यहाँ पे ज्यादा बुक्स है और बगल में है तो क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ठीक है। देखिए अब वन बुक है और दूर है, वन बुक है और दूर है तो डैट इज अ बुक, डैट इज अ बुक, वह एक किताब है। ऐसे ही दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, जो ज्यादा है दूर है तो दोज आर बुक्स। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको आप अपने रूम में देखिए, आपके रूम में क्या क्या है, जो भी है, फैन है, फैन आपसे दूर है ना तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ फैन, अगर दो फैन है तो क्या बोलेंगे, दोज आर फैंस, है ना। विंडो है, कितनी है, एक है तो दिस, अगर बगल में है तो दिस, दूर है तो दैट, क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने कमरे में देखिए, जहां पे भी खड़े हैं आप देखिए, आपके बगल में जो चीज है सेंटेंस बोलते जाइए, है ना, मैंने बताया ना, बगल के लिए दिस, एक है तो दिस, ज्यादा है तो दीज, ठीक है,
दूर है और एक है तो डैड, ज्यादा है और दूर है तो दोस्त। ठीक है, आज आप लोग ये प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।